नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टेंस पढ़ा रही हूँ और टेंस में भी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपने देखा होगा यहाँ पे हम अभी तक अपनी जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें पढ़ चुके हैं टेंस क्या होता है और टेंस के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के भी दो टाइप्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अभी हम तीसरा जो टेंस का प्रकार है जो कि प्रेजेंट टेंस का तीसरा प्रकार है वो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने अभी तक पुरानी दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है टेंस। बहुत सारे लोग पता नहीं बहुत टेंशन लेके चलते हैं टेंस पता नहीं क्या चीज़ होगी, बिल्कुल सिंपल है। आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पढ़ने जा रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस भी टेंस में जो कार्य जो है वो अभी अभी खत्म किया हो, जैसे हम कहते हैं ना चुका हूँ, चुके हैं, चुकी हैं, ये मैं कहती हूँ ना मैं कक्षा ले चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत टाइम हुआ है, मतलब अभी जस्ट चुकी हूँ, किया ही है मैंने, ये जो फिनिश किया ही है, या जो मैं कक्षा जो है वो स्टार्ट कर चुकी हूँ, मतलब स्टार्ट जो है वो हो चुकी है, हाल ही में जो काम हुआ होता है उसे कहा जाता है परफेक्ट, जो वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जो कि हाल ही में मतलब अभी वर्तमान की स्थिति है इसीलिए इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे भी चार ही वाक्य बनेंगे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हैज या फिर है प्लस, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा जब भी परफेक्ट टेंस की बात की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आपको वर्ब की फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है। फॉर्म क्या होती है, जैसे गो वेंट गॉन, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, जितनी भी फॉर्म्स हैं वर्ब की वो सब आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। तो कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनकी तीनों जो फॉर्म है वो बिल्कुल एक ही होती हैं, जैसे रीड रीड रीड, है ना, तो यहाँ पे क्या है चेंजेस नहीं होते हैं, जो वर्ब है वो वैसी की वैसी रहती है तीनों फॉर्म में, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर से यही चार वाक्यों में हम टेंस को समझेंगे, हर जो टेंस है उसके ये जो चार वाक्य बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि सकारात्मक होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि नकारात्मक होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को कहा जाता है। तो ये चारों प्रकार इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी आगे की वीडियोज दी जाती है वो सब आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया सकारात्मक, यहाँ का जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको ऊपर लिख ही दिया है, सब्जेक्ट हैज है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, ही शी इट और नेम, इनके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, और आई We, you और they, इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ लगेगा है। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाता है कि has किसके साथ लगेगा और have किसके साथ लगेगा। He, she, it, them, he मतलब वह पुरुष के लिए कहा जाता है, she महिला के लिए वह कहा जाता है, it किसी वस्तु के लिए कहा जाता है या फिर किसी नाम के साथ में, हमेशा ध्यान रखिएगा has लगेगा, और I, we, you, they जहां पे भी देखेंगे प्लूरल हो या फिर आई और यू हो तो उनके साथ में है लगेगा। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ सेंटेंस बनाएंगे आई, आई के साथ क्या लगेगा, देखो है लगेगा, तो आई है, यहाँ पे मैं सेंटेंस बनाना चाह रही हूँ कि मैं अपना काम शुरू कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आई हैव स्टार्ट, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टार्टेड, आई हैव स्टार्टेड माय वर्क। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लीजिए,
हम ही शीट नेम से ले लेते हैं, मान लीजिए हम नाम ले लेते हैं मोहन, मोहन हैज। अब उसने क्या किया, मैंने अपना काम शुरू किया, मोहन ने अपना काम खत्म कर दिया। मान लीजिए ये सेंटेंस हम ले रहे हैं, मोहन हैज फिनिश्ड, फिनिश्ड की क्या होगी थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड, फिनिश्ड हिज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों सेंटेंस मैंने बता दिया है, एक तो आई को लेके बता दिया है और एक लेकर बता दिया है नेम फॉर्म। तो हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई, और किस तरीके से लगेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में ये भी आपको बात समझ में आ गई है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, मतलब मैंने जो अपना जो काम है वो मैंने शुरू नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बिना ज्यादा सोचे बिना बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे नहीं आएगा तो नॉट तो आपको लगाना ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉट भी आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस नॉट प्लस वर्बी, तो क्या आएगा, आई हैव नॉट स्टार्टेड माय वर्क, मैंने जो है अपना काम शुरू नहीं किया है। और यहाँ पे मोहन का आएगा तो मोहन के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, तो मोहन फिर हैज नॉट स्टार्टेड, सॉरी फिनिश्ड, कॉल यहाँ पे मैं इसी का बता रही हूँ, फिनिश्ड हिज वर्क। तो देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल से है। सकारात्मक शब्द कहते हैं तो वो सिंपल हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, हैज या है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव के अंदर नॉट भी साथ में लगेगा, जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सॉरी हैव या हैज लगता है, उसके बाद में नॉट जो है वो साथ में आएगा। जैसे आई हैव नॉट स्टार्टेड माय वर्क, मोहन हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, तो यहाँ पे ऐसे हैज और हैव दोनों का प्रयोग होता है। तीसरा जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ जो कि है प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। अभी प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे हम, हैव जो है ये पहले आ जाएगा, हैव आई स्टार्टेड माय वर्क, क्या मैं जो हूं, और साथ में क्वेश्चन मार्क लिखना ना भूले, यहाँ पे भी नंबर कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, जहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाता है उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगता है। तो यहाँ पे देखिए हैव आई स्टार्ट, क्या मैं अपना काम शुरू कर चुकी हूँ। अगला देखिए मोहन के साथ में क्या आएगा, हैज मोहन फिनिश्ड हिज वर्क, क्या मोहन जो है वो अपना काम खत्म कर चुका है। तो ये भी बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए अभी तक हमने क्या किया है, आई हैव स्टार्टेड माई वर्क, ये हो गया सकारात्मक, आई हैव नॉट स्टार्टेड माई वर्क, ये हो गया नकारात्मक। अफर्मेटिव की अगर, इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं, तो हैव आई स्टार्टेड माई वर्क, ये हो गया इंट्रोगेटिव, प्रश्न बन गया। अब हमको प्रश्न में भी क्या मैं अपना काम शुरू नहीं कर चुकी हूँ, आपको प्रश्नवाचक से तो बनाना ही है, परंतु नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट स्टार्टेड माय वर्क, और इसी तरीके से लास्ट वाला जो है वो हो जाएगा हैज मोहन नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पे ये चारों जो वाक्य हैं वो इस तरीके से बन जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको हाउ वेन के साथ भी लगाना है, अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि राम ने अपना काम कैसे खत्म नहीं किया, हाउ सॉरी आपने मतलब मैंने, तो हाउ हैव आई
स्टार्टेड माई वर्क या हाउ आई हैव नॉट स्टार्टेड माई वर्क, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो हाउ पहले आ जाएगा, बाद में हैव आ जाएगा, या आप हैज का अगर किसी व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, ही शी का प्रयोग कर रहे हैं, नेम का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पे हैज आ जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे क्या समझ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट है जो कि हाल ही में काम हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके का जब आपको वाक्य बनाना होता है तो वहां पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा चार तरीके के, सभी में चार तरीके वाक्य बन सकते हैं। अफर्मेटिव जो कि सकारात्मक है, आई हैव टेकन माय क्लास, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं, आई हैव नॉट टेकन माय क्लास, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव हैव आई टेकन माय क्लास, और अगर हमको बनाना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो Have I not taken my class? तो यहाँ पे चारों जो सेंटेंस है इस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है टेंस, बिल्कुल बिना ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डाले हुए अगर आप वाक्य बनाएंगे और खुद ही ट्राई करेंगे ना तो आप बहुत आराम से बना लेंगे। अब कुछ वीडियोस मेरे द्वारा इससे रिलेटेड ऐसी दी जाएंगी जिसमें मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पे क्या हैज लगेगा, हैव लगेगा। ये वीडियो जो है आप आराम से देख लीजिए, उसके बाद जो मैं वीडियो आपके साथ में बाद में शेयर करूंगी टेंस से रिलेटेड, जब मैं सारे टेंस पढ़ा दूंगी तब उसमें आपसे क्वेश्चन इस तरीके के पूछूंगी कि आपको पता चलेगा कहाँ पे कौन सा टेंस है। तो एक बार ये आप आराम से अच्छे से समझ लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए, और जो लाइन वाक्य है वो आप खुद घर पे बना के ट्राई कीजिए, और फिर भी आपको कोई दुविधा आती है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।